हेलो गाइस, फिर से आप लोगों को स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम करने वाले हैं, मतलब आप लोगों को दिखाने वाले हैं पांच ऐसे ट्रिक्स जो आप लोगों को, मतलब आप लोगों के गेम में बहुत ही यूज़फुल हो सकता है। तो पहले देख लो, यहाँ पे एयरशिप में, मतलब एयरशिप ने बहुत सारा लूट यहाँ पे छोड़ के गया है, लेकिन यहाँ पे एक बंदा है जो मेरे को शायद पंगा देगा, इसलिए मैं उसको पहले ख़त्म करता हूँ। और यहाँ पे बंदा को और यहाँ पे मैंने ख़त्म कर दिया। तो अभी मैं जो ट्रिक बोल, ये हमारा फर्स्ट ट्रिक, तो मैं आपको दिखाने के लिए अभी दिखा रहा हूँ। देखो, जस्ट आपको ऐसे जूम करना है और यहाँ पे लोकेशन ऑन कर देना है। इससे क्या फ़ायदा होगा मैं बोलता हूँ कि अगर आप लोग सपोज करो रैंक गेम में किसी जगह पे अटक गए हो और आपके सामने ये लूट पड़ी हुई है और आप लोग वहाँ जाना चाहते हो, तो आप लोग दूर से ही जूम करके मतलब देख सकते हो कि उस जगह पे कौन कौन सी लूट है। तो इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि इस लूट में से मेरे काम की चीज़ भी है या नहीं, जैसे कि उसमें ग्लोवल थी। तो ये आपको, आप लोगों की एक काम की चीज़ हो सकती है। तो इसका एक रेंज भी है, जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने 42 मीटर से ट्राई किया लेकिन नहीं हुआ, 31 मीटर से ट्राई किया लेकिन नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने 27 मीटर से ट्राई किया तो हो गया। तो इसका मतलब अराउंड 30 मीटर के आसपास आप लोग ये ट्रिक कर सकते हो, ठीक है। और ये रैंक गेम में बहुत यूज़फुल होने वाला है। मेरे को ये ट्रिक मतलब अनफॉर्चुनेटली मेरे को मिल गई थी, ठीक है। तो अभी मैं जाकर दिखा भी देता हूँ कि यहाँ पे ग्लोल है भी नहीं। तो अभी मैं हम चलते हैं दूसरे ट्रिक के ओर। हमारा दूसरा ट्रिक है गाइस ये, तो ये कुछ ट्रिक नहीं है, ये शायद गरना का कुछ सस्ते नशे हैं जो मैं अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। रुको, तो पहले मैं अभी यहाँ पे थोड़ा सा मजे मतलब मस्ती कर रहा था, ठीक है। और अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वो ट्रिक, मतलब वो ग्लिच। तो ये देख लो, यहाँ पे एक कैली है और अगर इस पर क्लिक करके अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है स्टेप डैड और इसका स्टेप डैड है एंड्रयू। तो अभी हम चलते हैं एंड्रयू पे। अरे एंड्रयू तो उसके पास ही था भाई, हाँ क्या ढूंढ रहा है। और अभी हम एंड्रयू पे चल के देखते हैं कि उसमें यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है। तो अभी हम देखते हैं, और एंड्रयू ऊपर ही था। और जब मैं एंड्रयू पे क्लिक करके उस ऑप्शन पे क्लिक करके देखता हूँ, तो देखो गाइस ये रहा गरेना के सस्ते नशे, ये देखो गरेना के सस्ते नशे। और अभी हम चलते हैं तीसरे ट्रिक की ओर। तो तीसरा ट्रिक, अगर आप इस फ्लैश फ्रीज को अगर यहाँ पे फोड़ोगे तो ये ब्लास्ट होने का एनिमेशन यहाँ दिखाई देगा, लेकिन इफेक्ट बहुत दूर जाके पड़ेगा, ठीक है। हमारे फोर्थ नंबर ट्रिक पे एक मतलब एक बहुत ही यूजफुल ट्रिक होने वाला है ये। तो क्या करना है आप लोगों को देख लो, पहले इसके ऊपर चढ़ना है और उसके बाद इसके ऊपर चढ़ना है। तो मैं यहाँ पे नहीं चढ़ पाया, इसलिए मैं इसके ऊपर चढ़ के और इस ऊपर में जो ये है ना, इसके ऊपर चढ़ना है। तो यहाँ से मैं नहीं चढ़ पा रहा हूँ, तो मैं यहाँ से ऐसे करके यहाँ चढ़ सकता हूँ। और उसके बाद जब आप लोगों को CS रैंक में जब लाइक बहुत ही मतलब फाइट्स होते हैं ना, तो यहाँ पे भी कई बार फाइट्स होती हैं, तो आप लोग यहाँ से फ़ायदा उठा सकते हो। देख लो, बहुत ही ऐसे वो मतलब ग्रेनेड कुक करके ऐसे बंदे को डाउन कर सकते हो, किल कर सकते हो, ठीक है। तो ये फुल मैप में तो कुछ ज़्यादा बढ़िया होने नहीं वाला ये ट्रिक, ये CS रैंक में बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। और हाँ, बहुत ही सावधानी से करना, नहीं तो थोड़ी सी गलती करोगे तो आप नीचे चले जाओगे, मतलब गिर जाओगे। और हमारा दूसरी ट्रिक है ये, तो ये भी एक ग्लिच है शायद, ट्रिक नहीं है कोई। तो पहले देख लो, तो मेरे पास एक व्हीकल है, जीप है, तो इसको मैं अभी लोकेट कर देता हूँ, मतलब रिसोर्सेस हियर, ओके। और उसके बाद ये देखो गाइस, जब मैं जीप को लेके उधर जा रहा हूँ तो जीप का वो जो ऑप्शन है वो वहाँ पर रह ही गया। तो मैं अभी जोन के अंदर भी चला गया, फिर भी रह गया वहाँ पे। और जब मैं थोड़ा थोड़ा करके उसके पास गया तो वो इनविजिबल हो गया। लेकिन ये भी एक ग्लिच ही है, फिर से मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। तो और एक ग्लिच देख लो, अगर मैं जीप के एकदम 1 मीटर पास से अगर उसको मतलब करूँ ना लोकेशन, तो वो लोकेट नहीं होगा, मतलब वो जो ये साइन है वो नहीं मतलब आएगा। तो इसलिए मैं इसको लोकेट करके बहुत दूर चला जाता हूँ, उसके बाद देखता हूँ कि क्या होता है। तो ये देखो अभी भी ये है, लेकिन जब भी मैं गेट आउट करता हूँ तो वो ऑप्शन गायब हो जाता है। और यही था हमारा ये ट्रिक। ये बोनस ट्रिक भी आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल हो सकता है गाइस। तो देख लो, पहले
तो जब कैसे आप एक कुक्ड मतलब टाइम्ड ग्रेनेड को कैंसिल कर सकते हो। सिंपली आपको क्या करना है, मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। तो जैसे ही आपको कैंसिल करना होगा तो यहाँ पे देखो वन और टू, क्लिक टू स्विच पे वन लिखा हुआ है और सेट के बटन पे टू। तो अगर आप कैंसिल करना चाहोगे तो इस दोनों पे क्लिक कर सकते हो, एक साथ नहीं, एक एक करके भी कर सकते हो। लाइक ऐसे करके आप लोग कुक कर रहे हो और क्लिक टू स्विच पे एक बार क्लिक कर दो या फिर बैठ जाओ तो वो ग्रेनेड जो है ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बैठ दिया और अभी मैं क्लिक टू स्विच करके दिखाता हूँ। तो ये देखो वो अभी टाइम पे है और ये देखो क्लिक टू स्विच। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा इस कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे दूसरे किसी वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय। घर में रहो और फ्री फायर खेलते रहो।